लाइक ऑलमोस्ट मारने की धमकी देते हैं जिनके पास पैच होते हैं। तो और डोना को ऐसा किया जाता है लेकिन ठीक है এটা হবে পরে দেখা যাবে। ए दादा है हमारे साथ, ये देखिए एज यूजुअल काम करने में, और के मम्मी का क्या लेके आई है देखिए, ये सब पसंद है उसे। और उधर हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग चाय बनाया है। सुबह तो नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, उसे ऊपर लेके गए थे खेलने के लिए, खिलाने के लिए। और यहाँ पे डैडी भी बैठी है, मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ, आई एम ऑल्सो देयर। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, और वेदर का जो जानकारी है, वेदर में क्या हो रहा है, बस यही है दोस्तों आज के लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज के और भी बहुत कुछ है। दादा 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 ए दादा 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 ओके सो आज के लंच के लिए मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना रही हूँ। तो ये बेसिकली एक चौचौड़ी है जो हम लोग बंगालीज खाते हैं, वो चौचौड़ी बोलते हैं उसको। ये बहुत सारे सब्जियों का मिक्स है, आलू है इसमें, जो परवल है, फिर जो गोभी का जो डंडा होता है ना वो है, गोभी का जो डंडा होता है ना वो है, फिर और क्या है, गाजर है, और बहुत सारे सब्जी है यहाँ पर, और थोड़ा शीम भी है। तो ऐसे सभी सब्जी को हम लोग मस्टर्ड पेस्ट में पकाते हैं, और इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लगता है क्योंकि ये फ्राई होता है ना सब्जी, तो हम लोग वही बना रहे हैं। एक्चुअली आज के लंच में मैं सोची कि क्या बना सकते हैं, आज ट्यूसडे भी है। वैसे हम लोग ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ट्यूसडे में वेज खाते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं, लेकिन आज मैं सोची कि थोड़ा सा वेज खाते हैं, क्योंकि कल भी सागर मछली खाए थे तो वो तो नॉन वेज में ही पड़ता है, तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा वेज खा लेते हैं। और तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ, और इसमें ना मस्टर्ड पेस्ट पड़ने वाला है जो कि बहुत ही मस्त लगता है खाने में, बहुत ज़्यादा मस्त लगता है। और अगर आप लोग को लाइक नोटिस हुआ है, हम लोग फ्रिज यहाँ पर लेके आए हैं, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि यू नो जहाँ पर था ना फ्रिज वो हॉल में, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि डोना कभी कभार ना इधर उधर जाते हुए सुसु कर देती है, और वो ना फ्रिज के अंदर घुस जाता है, और फिर मैं क्लीन नहीं कर पाती हूँ, हर टाइम फ्रिज को उठा उठा के क्लीन नहीं कर पाती हूँ। तो वो एक्चुअली एरिया ना थोड़ा सा लो टाइप का है, तो वहाँ से सुसु चला जाता है। तो इसलिए अभी घर में अगर पपीज आए हैं या फिर बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा प्रूफिंग करना पड़ता है। सॉरी मेरा लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, लेकिन मैं लिप बाम लगाऊंगी। और तो जब बच्चे आते हैं इतना ज़्यादा चेंजेस होता है ना, अब पूरा जो घर का जो सिचुएशन होता है बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, बेबी प्रूफ करना पड़ता है, पपी प्रूफ करना पड़ता है। तो इसी वजह से एक्चुअली हम लोग ये थोड़ा सा चेंज किए हैं, जो कि मुझे एक्चुअली अच्छा ही होता है, क्योंकि अगर फ्रिज यहाँ पर रहता है और किचन यहाँ पर है तो बहुत ज़्यादा लाइक ईजी हो जाता है खाना बनाने के टाइम में। और बाकी तो डोना खा रही है, आई थिंक देखते हैं वो क्या कर रही है। तो ये जगह पे अभी हम लोग रह रहे हैं क्योंकि ये पेट फ्रेंडली है, जब तक हम लोग को अच्छा पेट फ्रेंडली
फ्लैट नहीं मिल जाता है फॉर रेंट, हम लोग शिफ्ट नहीं हो पा रहे क्योंकि एक पेट के साथ शिफ्टिंग इज नॉट वेरी इजी. अगर लैंडर अच्छा नहीं हुआ, नेबर्स अच्छा नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. तो ये छोटा है, 1 BHK है, लेकिन रोना बहुत ज़्यादा अच्छे से सूट हो गई है और टेरेस भी बहुत खाली रहता है तो वो हर टाइम जाके खेल सकती है. और सिचुएशंस बहुत फ्रेंडली हो गया है यहाँ पर, जो कि शायद नए जगह पे डोना को सूट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन अभी शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि डोना बड़ी हो रही है और जगह भी लगेगा. तो इसलिए हम लोग बहुत ही जल्द शिफ्ट करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट ईयर तक हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे. और देखते हैं अगर अच्छा फ्लैट मिल जाता है जिसमें, एक्चुअली हम लोग इस बार 2 BHK या फिर 3 BHK में जाने का सोच रहे हैं. और अभी और हम लोग लाइक यू नो क्या बोलते हैं उसको, लाइक हम लोग पेट फ्रेंडली अच्छा वाला लाइक यू नो थर्ड फ्लोर में फ्लैट ढूंढ रहे हैं क्योंकि वहाँ से टेरेस, थर्ड या फोर्थ फ्लोर, लाइक जो भी टेरेस के एग्जैक्ट नीचे जो यू नो रूम्स मिलेगा वैसे हम लोग जाएंगे क्योंकि उसमें डोना खेल सकती है ऊपर जाकर, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा. और थोड़ा सा अच्छा जो फैमिली मिलेगा, लाइक यू नो नेबर्स अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराब लगता है क्योंकि मैक्सिमम फ्लैट जहाँ पर मैं देखती हूँ या फिर पोस्ट देखती हूँ कि फ्लैट के लोग इतने इतने घटिया होते हैं कि क्या बताए, लाइक ऑलमोस्ट मारने की धमकी देते हैं जिनके पास पैच होते हैं. तो वैसे हम लोग पहले से ही बोल के जाएंगे, अग्रीमेंट्स करके जाएंगे और मुझे पता है लीगल हेल्प कैसे लेना होता है जब पेट के साथ कोई ऐसा बर्ताव करे. तो जो भी हो, अभी बहुत ज्ञान हो गया है, अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा बना लेती हूँ हम लोग का स्पेशल मेन्यू और मैं लास्ट में दिखाऊंगी आप लोगों को. ঠিক আছে, এটা হবে পরে দেখা যাবে. तो यही चल रहा है डोना को, डोना का ये हम लोग का शील्ड है और इस शील्ड का यूज करते हैं डोना से अटैक कर डिफेंड करने के लिए. और डोना को ऐसा किया जाता है लेकिन बिल्कुल हार नहीं मानती है वो. देखिए पकड़ लिया है, तब से चल रहा है, मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दिखा रहा था. अभी वो इसको नहीं छोड़ेगी जब तक ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए इन दुनिया से. फटाफट खाना पड़ रहा है.